हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑप्शन क्लासी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ऑप्शन क्लासी की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, एवरी वीक हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में वीकली आयरन फ्लाई का बैक टेस्टिंग करते हैं और सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं कि हम आयरन फ्लाई को कैसे मैनेज कर सकते थे और क्या हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हमें देखने को मिल सकता था। सो फ्रेंड्स, उसी सीरीज़ में एक और नई वीडियो होने वाली है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सो अभी हम आ चुके हैं हमारे सिम्युलेटर पर। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी हमने सिलेक्ट कर लिया है। थर्सडे को 320 पे हम आयरन फ्लाई को क्रिएट करेंगे। 6 अक्टूबर की हमारी एक्सपायरी रहेगी। सो स्पॉट है अभी 37700। सो 37700 पर हम आयरन फ्लाई को क्रिएट करते हैं। सो कॉल एंड पुट 37700 का हमने सेल कर दिया है। जो टोटल प्रीमियम रिसीव हुआ है वो है 1100। सो डाउन साइड में 36600 पे पुट को बाय कर लेंगे और अपसाइड में 38800 पर हम कॉल को बाय कर लेंगे। सो हमारा पी ऑफ ग्राफ कुछ इस तरीके से बनकर रेडी है। मैक्सिमम प्रॉफिट है 19000 एंड मैक्सिमम लॉस है वो है 8340 रुपीज़ का। मार्जिन यूज़ है 80000 के आसपास। टोटल मार्जिन यूज़ होगा नियर अबाउट 2.5 लाख एंड जो हमारा टारगेट रहेगा वो है 1% का टारगेट रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जब तक ब्रेक इवन ब्रीच नहीं होंगे तो हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। सो चलिए हाफ एन आवर से आगे बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ा स्पीड रखूंगा जिससे कि ज़्यादा लंबा ना हो जाए। लास्ट वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका था। तो जब तक ब्रेक इवन ब्रीच नहीं होते तब तक हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। सो मार्केट अभी हमारे ब्रेक इवन के पास पहुंचने वाला है और देखिए 465 पर मार्केट पहुंच चुका है। 38466 हमारा ब्रेक इवन है। सो अभी अपसाइड को हम मार्केट मूव कर रहा है। सो अपसाइड भी हमारा रिस्क, उसको कम करने के लिए हम 38500 का कॉल है उसको बाय कर लेंगे। सिमुलेटर थोड़ा स्लो चल रहा है और 38800 के कॉल से हम एक्सिट हो जाएंगे। अभी हमने हमारा अपसाइड का रिस्क थोड़ा कम कर लिया है। डाउन साइड में हम जाके 20 पॉइंट्स के हिसाब से देखते हैं कहाँ तक हम शिफ्टिंग कर सकते हैं। देखिए 9 रुपीज़, 9 रुपीज़, 10 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये, यहाँ पर भी 13-14 रुपये, ठीक है, यहाँ पर भी 15 रुपीज़, यहाँ पर भी 15 रुपीज़। सो यहाँ तक हम शिफ्टिंग कर लेते हैं 37400 तक, क्योंकि हमारा जो सेलिंग है वो है 37700 तक। तो चलिए हमने वहाँ पर शिफ्टिंग कर ली है एंड 36600 को हम एग्जिट कर लेते हैं। अभी हमारा डाउन साइड पूरा रिस्क फ्री हो चुका है। अपसाइड में हमारा रिस्क बचा हुआ है 6931 रुपीज़। इसको कम करने के लिए हम हमारी जो बाइंग है पुट साइड में 37400, उससे 300 पॉइंट्स नीचे जाके और 37100 का जो कॉल है उसको हम दो लॉट में सेल कर देंगे। तो चलिए दो लॉट में इसको हम सेल कर देते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो है 125 पे हमने सेल किया है तो इसका स्टॉप लॉस रहेगा वो है 250 रुपीज़, या फिर जो हमारा मार्केट इस सेंटर पॉइंट पे आ जाए तब तक हम इसको होल्ड रखेंगे। चलिए अपसाइड में हमारा अभी रिस्क कम हो चुका है और देखते हैं फिर नेक्स्ट मार्केट कहाँ किस तरफ मूव कर रहा है। अपसाइड में हमारा रिस्क है नियर अबाउट 700-800 रुपीज़ और अभी हमें 800 रुपीज़ के समथिंग का लॉस देखने को मिल रहा है स्क्रीन पर। सो अभी नेक्स्ट डे चलते हैं, मार्केट कहाँ पर ओपन हो रहा है। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है और अभी हमारा ट्रेड है वो प्रॉफिट में आ चुका है। 200-300 रुपये का प्रॉफिट शो हो रहा है, 700 का प्रॉफिट शो हो रहा है। जैसे ही आपको 2500 रुपये का प्रॉफिट दिखेगा तो आप अपने ट्रेड को क्लोज कर सकते हो। देखिए मंडे को मॉर्निंग में ही आपको 2000 का प्रॉफिट पर लॉट मिल रहा है, चाहो तो आप ट्रेड को अभी भी क्लोज करके जा सकते हो। हमने जो एक्स्ट्रा सेलिंग कर रखी है उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्या वो हमें पैनिक दे रही है। हमने सेलिंग कर रखी थी 125 पे और वो अभी 80 रुपीज़ पे है तो कोई इसमें इश्यू नहीं है। और ब्लू लाइन के हिसाब से भी देखिए आप काफ़ी हद तक नीचे की तरफ भी सेफ हो, तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और आगे बढ़ते हैं हाफ एन आवर से। मार्केट 38200 पर है, मार्केट और नीचे आ गया है थोड़ा, 38700 पर आ चुका है, 38000 पे आ चुका है मार्केट। यहाँ पर अभी हम एक बार चेक कर लेते हैं। एक्स्ट्रा सेलिंग हमारी 125 पे की थी, वो अभी 119 रुपये पे है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे पास एक चांस है कि हम अपसाइड को रिस्क फ्री कर दें
उसके लिए हम क्या करेंगे, 38,500 पे हमारा बाइंग है, उसको हम 100 पॉइंट नीचे 38,400 पर शिफ्टिंग कर देंगे एंड 38,500 के कॉल से एग्जिट हो जाएंगे। सो उससे क्या होगा कि हमारा अपसाइड का रिस्क है वो पूरा जीरो लॉस हो जाएगा। एंड डाउन साइड में अभी आप देखो आपकी ब्लू लाइन आपको 37,600 तक सेव कर रही है, तो कोई इश्यू नहीं है, यहाँ से और 400 पॉइंट तक आप सेव हो और आपका जो एक्स्ट्रा सेलिंग का लेग है वो भी आपको अभी तक कोई पैनिक नहीं दे रहा है, वो 119 रुपये पे ही है। अगर मार्केट और फर्दर नीचे जाएगा तो फिर हम उसके हिसाब से एक्स्ट्रा सेलिंग में से एग्जिट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे दिन मार्केट गैप अप ओपन हुआ है 39,000 के आसपास, तो यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं, हमारी एक्स्ट्रा सेलिंग है वो 10 रुपये पे आ चुकी है, तो इसमें से हम एग्जिट हो जाते हैं और फिर से 30-40 रुपये वाला प्रीमियम हम शॉर्ट कर देंगे। सो यहाँ पर 38,000 का प्रीमियम देखिए 38 रुपये में है, सो इसको हम दो लॉट शॉर्ट कर देते हैं। सो हमने इसको दो लॉट शॉर्ट कर दिए और इसका भी हमारा स्टॉप लॉस वही रहेगा कि हमने जितने पे 38 पे इसको शॉर्ट किया है, सो 76 इसका स्टॉप लॉस होगा। जब ये 75 रुपीज़ हो जाएगा उसका प्रीमियम, तब हम उसमें से एग्जिट हो जाएंगे या फिर मार्केट हमारे इस पॉइंट पर आ जाएगा। चलिए हाफ एन आवर से आगे बढ़ते हैं ट्यूसडे को। अभी हमारा अपसाइड में कोई रिस्क नहीं है, सो मैं हाफ एन आवर से आगे बढ़ाता हूँ। 2,500 का आपका प्रॉफिट शो हो गया है, आप चाहो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो ट्यूसडे को भी। आपको दो बार मौके मिल चुके हैं 2,500 पे प्रॉफिट बुक करने के लिए, लेकिन अभी अपसाइड में आपका कोई रिस्क नहीं है तो आप ट्रेड में होल्ड कर सकते हो। अगर मार्केट किसी भी कंडीशन में नीचे आता है तो नीचे आपके पास 12,000 का प्रॉफिट है, जो आप 12,000 बुक करने का आपको मौका मिल सकता है। थर्सडे हो चुका है, मॉर्निंग में 39,400 पे मार्केट चला गया है, जो आपने सेलिंग कर रखी थी उससे मार्केट काफ़ी दूर है। सो हम कुछ भी नहीं करेंगे और चलते हैं फिर 2:30 के आसपास। अगर मार्केट किसी भी कंडीशन में रिवर्स आता है तो हमारे पास 12,000 का चांस है प्रॉफिट लेने का। बाकी अभी देखिए 2,800 रुपये का प्रॉफिट आपको थर्सडे को भी 12:00-1:00 को देखने को मिल रहा है। चाहो तो आप अभी भी ट्रेड को क्लोज कर सकते हो, 1% से ज़्यादा का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। अभी हम देख लेते हैं, जो हमने सेलिंग कर रखी थी उसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ है, तो हम चाहे तो उसमें से एग्जिट हो भी सकते हैं, और अगर ऐसे ही रखोगे तब भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो 3 बज चुके हैं, एक्स्ट्रा सेलिंग हमने जो कर रखी थी उन सब में से एग्जिट हो जाते हैं। जो हमारा पुट था 0.2 सारे हो चुके हैं, इन सब में से हम एग्जिट हो जाते हैं। तो अभी हमारा ट्रेड कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। अप साइड में 2,200 रुपये का प्रॉफिट है, डाउन साइड में 20,000 का प्रॉफिट है। और यहाँ पर देखिए मार्केट फाइनली 39,260 के करीब क्लोज हो गया है, और जो हमारा मिनिमम प्रॉफिट था 2,200 रुपये का, वो हमें देखने को मिला है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो में कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऑप्शन क्लासी यूट्यूब चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीकली और मंथली प्रीमियम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हो तो उसकी सारी डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सअप नंबर पर भी डिटेल्स जानकारी ले सकते हो, और आप मंथली ट्रेड के लिए ज्वाइन बटन के थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, मिलते फिर एक और नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।